तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव, और गांव जा रहे हैं रुचि की शादी का कार्ड बांटने के लिए, क्योंकि दो तीन दिन से मैं दिल्ली में कार्ड बांट रहा था तो काफ़ी थक भी गया था, और शादी है भाई, इतना तो होता ही है ना। तो गांव जा रहे हैं और दिखाऊंगा इस टाइम क्या क्या फसल लगी हुई है। तो जो दिखाने का टाइम मिलेगा कम से कम टाइम में कवर करूँगा, क्योंकि एक दिन के लिए ही जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी तैयारी चल रही है, खाना वगैरह बन रहा है, ये देखो खाना वगैरह बन रहा है, फिर देन उसके बाद जा रहा हूँ। ये रहा हमारा बाबू। बाबू कैसे हो? हेलो, सो के उठा अभी, इसलिए है ना अभी पता नहीं उसे मैं इसी दुनिया में हूँ या बाहर गई हूँ। हेलो, ताली दो। नहीं, अरे हंस गया। तो ये है बेबी पटैटो, और इसी की सब्जी बनेगी आज, है ना। आप खाओगे? इसको खिलाओ थोड़ा सा। अरे ये रह गया, अच्छा है। हाँ अच्छा है। पूरी रस्ते में खा लेना। हाँ, पहले गांव में कितने दिन तक के ले जाते थे ना? तो पहले गांव में जब भी है ना, बड़े बड़े लोग जाते, मतलब घर के जो भी जाते थे। हाँ लो, अब आया इसमें। कह रही ये क्या बवाल है बार बार, आ जाओ। तो पहले पूड़ी, अचार, आम का अचार वगैरह पहले ऐसे ले जाते थे। आपको चलना है गाँव? पहली बार चल लो। अभी नहीं जाएगी, अभी सर्दी। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, क्योंकि 10 बजे सुबह के सो के उठाओ, मैं नहा धो लिया हूँ। बाकी है ना, अभी थोड़ी जो झालर वगैरह नहीं लाए थे ना सदर से, आपने देखा होगा लास्ट वाले व्लॉग में, तो वो सोच रहा हूँ लगा लूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, फिर उसके बाद तो निकलने हैं 2 बजे के करीब, और अभी बजे 10, तो मतलब 2-3-4 घंटे हैं अपने पास में, तो इतना टाइम क्या करेंगे। तो चलते हैं, पहले झालर वगैरह लगाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं। चलो वो खोलिए जरा, ये लगा देंगे ना, यहाँ से लंबे लंबे सही लगेगा ना। कितने लंबी है ये शिवानी? कैंची दियो। ओए अंधे, ये तेरे को दिख नहीं रहा, हमने ठेका लिया है यहाँ पर, तू बीच में खराब कर रहा है। बाबू ओए, अच्छा लग रहा तुमको? बाबू ये देख रहे क्या बवाल लगा रहे, ये क्या बवाल चीज है भाई, ये हमारे यहाँ शादियों के ठेके लिए जाते हैं। हाँ भाई, मैं मालिक, पैसा दो। ये भाई आज सुबह का ब्रेकफास्ट, ये आ गया अपने पराठे, बेबी पटैटो, और ये आम का अचार गांव वाला, और ये चाय। आपको कुछ खाना है तो बताइए, ऐसे देखिए नहीं, ये देख कैसे देख रही। बाबू मेरा बाबा। तो बाबू को पराठा दिया जाए, ले लो। नहीं खाना? हाँ खा लिया। बस वहीं बैठो, आप यहीं बैठ जाओ। बच्चे इधर नहीं आते बड़ी चीज़ें खाने के लिए, ठीक है। तो शादी से पहले हमारे यहाँ पूजा होती है, तो उन्हीं के लिए ये लड्डू गोपाल लेके आए हैं, और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी इनको पोशाक पहनाइए, तो अभी थोड़ी देर में पूजा होगी, तो मैं तो निकल जाऊँगा, बाकी घर पर होगी पूजा। तो हमने वहाँ बाहर वो झालर वगैरह सी थी वो बांध दिए पूरी, और अब हम निकल रहे हैं गांव के लिए। बस अभी 10-15 मिनट में तो पूजा वगैरह हो रही है अपना, तो कोई बात नहीं मत करना। तो ये रही अपनी पूजा की मालकिन। हाँ जी मालकिन, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया हाल चाल है। तो इसी की शादी है, और ये बाकी बराती हैं, बराती नहीं घराती, और अपने ठाकुर जी। तो ये डिज़ाइन बताना, ये कैसा लग रहा है? ये मैंने अभी बनाया था, और एक बार दिखाता हूँ पूरा। देखो ये ग्रास लगाई है, ये ग्रास लगी हुई है, और इसके बाद में ये बीच में स्ट्रिप लाइट लगाई हुई है। तो ये पूरा डिज़ाइन मैंने बनाया था, बाकी हम वॉलपेपर लगाया था। ओए शांत रहा कर, वीडियो बनाते हुए यहीं करते रहती है। तो ये वॉलपेपर लगाया था पूरे रूम में। तो बताना भाई कैसा लग रहा है तुम्हारे भाई का काम? तो बाबू बाय बाय, निकल रहे हम। 140 चले। तो थोड़ा सा दिखाता क्या करा था हमने बाहर, ये देखो। ये वो बैठी पूनम बुआ तुम्हारी। तो ये देखो ये सारा हमने लगा दिया, अब हम निकल लें। अब बच गए एक। ओके मम्मी बाय बाय। मम्मी ने मुझे 2000 की जगह 4000 रुपये दे दिए, इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। अरे अरे मेरे, अच्छा पापा इनने 200 के 20 नोट दे दिए। तो अपने पास 2000 रुपये फालतू आ गए, मौज करेंगे, चीज खाएंगे। मैंने वहां बैठे तो जल्दी दे रहे हैं 20 नोट। मेरी गलती है, पैसे दे।
तो अभी हम अपने घर से निकल गए हैं और इस टाइम हम दिल्ली पार कर रहे हैं, मतलब नोएडा एंटर कर रहे हैं। तो ये कालिंद्र कुंज वाला रोड है और आगे है महामाया फ्लाईओवर। तो रास्ते में कहीं रुकेंगे तो बताएंगे, है ना। बाकी चलो बाबा के दरबार में इस भजन को गा देना। रास्ते में मैं रुका था, रास्ते में फिर हमने खाए गोलगप्पे, थोड़ा सा भूख लग रही थी इसलिए, और वो भैया बना रहे थे बहुत अच्छी टिक्की, तो मैंने कहा टिक्की भी खा लेते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अपने गांव और वो लेके आ रहा है स्टिंग। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था तो स्टिंग मिली, मिल तो गई यार, गांव में भी स्टिंग वगैरह मिली। तो पहुंच गए हम, तो बाकी वीडियो कल अगले नेक्स्ट व्लॉग में देखना। और मेरा आने का एक पर्पस ये भी था कि मैं आपको कुछ दिखा सकूं और गांव में कुछ एक्सप्लोर करके दिखाएंगे इस सीज़न में क्या क्या लगा हुआ गांव में, क्योंकि हमारे इधर जो मामा का घर ज़्यादा खेती होती है बोले तो तंबाकू वगैरह। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप उसका सेवन करो, मेरा पर्पस ये है कि वो कैसे उगाया जाता है, क्योंकि शहर में तो लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा वगैरह सब खाते पीते हैं, लेकिन उसको उगाया कैसे जाता है वो प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और मेरा बिल्कुल पर्पस नहीं है कि मैं आपको इसके लिए कहूं कि आप ये सब चीज़ों का सेवन करो, बस एक नॉलेज के लिए कि कैसे। और बाकी सब्जियाँ वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह तो लोगों ने देखी हैं लेकिन ऐसी चीज़ बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। समय हो गया 8:30 और हम निकले थे 2:00, तो 1-3 बजे तक तो हम वहीं पे ही डोलते रहे, फिर उसके बाद बीच में आधे एक घंटे का रेस्ट भी लिया था, तो देन पहुँच चुके हैं, ठीक है। और किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 270 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये हो रहा है योगी जी के राज में, देखो हमारे गाँव में इतनी स्मार्ट, तो दिल्ली में भी सड़कें नहीं बन रही है भाई। यहाँ पे देखो फुल ऑटोमेटिक मशीनों से, मार्केट पूरी क्लोज हो रखी है। वाह वाह क्या बात है यार, यूपी चमका दी भाई, योगी जी ने चमका दी यूपी।